हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इजी मैथ कॉन्सेप्ट। आज हम सीखने वाले हैं यहाँ पे ट्रांसलेशन एंड रोटेशन के ऊपर न्यूमेरिकल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। क्या पूछा हुआ है क्वेश्चन में? अ ट्राइंगल ए बी सी विथ वर्टाइसिस एट ए 0 0, बी 4 0 एंड सी 2 3। यानी तीन वर्टाइसिस दिए हुए जहाँ पे ट्राइंगल बनेगा 0 0, 4 0 एंड 2 3 इज गिवन। परफॉर्म द फॉलोइंग ऑपरेशंस फॉर इट। सो ये ट्रांसलेशन और रोटेशन का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे ट्रांसलेशन और रोटेशन पूछा हुआ है। ट्रांसलेशन थ्रू 4 and 2 यूनिट्स अलोंग एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट रिस्पेक्टिवली। मतलब 4 यूनिट्स जाएगा एक्स डायरेक्शन में, 2 यूनिट्स जाएगा वाई डायरेक्शन में कोऑर्डिनेट्स रिस्पेक्टिवली। रोटेशन थ्रू 90 degree इन काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन। मतलब 90 degree उसका रोटेशन होगा। रोटेशन मतलब वो गोल घूमेगा ट्राइंगल कितने डिग्री में, 90 degree इन काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अबाउट द न्यू पोजीशन एट 2 point C। मतलब न्यू पोजीशन किसके अराउंड होगा, सी वाले पॉइंट के अराउंड। सो फर्स्ट हमें क्या दिया हुआ, ट्रांसलेशन बाय टी एक्स इज इक्वल्स टू 4 एंड टी वाई इज इक्वल्स टू 2। सो नया होगा नया इसमें क्या है, सिर्फ मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन आपको अगर आता हो देन यू कैन ईजिली सॉल्व दिस क्वेश्चन। सो ट्राइंगल ए डैश बी डैश सी डैश इज इक्वल्स टू 0 0 1। मतलब देखिए यहाँ पे जो पॉइंट्स दिया हुआ है हमें, यहाँ पे ए 0 0, बी 4 0 और सी 2 3। वैसे ही 0 0, 4 0, 2 3 और यहाँ पे ये वाला हमेशा 1 1 1 ही आएगा क्योंकि यहाँ पे एक्स और वाई कोऑर्डिनेट दिया है, जेड में कुछ दिया नहीं हुआ इसलिए 1 1 1 आएगा। सो 1 0 0, 0 1 0, टी एक्स टी वाई 1। मतलब ट्रांसलेशन के लिए यहाँ पे जो टी एक्स टी वाई पॉइंट दिया हुआ है 4 और 2 वो हम यहाँ पे पुट कर देंगे। सो नेक्स्ट स्टेप में 0 4 2, 0 0 3, 1 1 1, 1 0 1 0, 1 0 0, 1 0 0, 0 1 0, 4 2 1, 4 2 1। मतलब यहाँ पे टी एक्स के जगह 4 रख दिया है और टी वाई के जगह 2 रख दिया है और 1 के जगह 1 ही रहेगा। सो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन बेसिकली हम कैसे करते हैं, मैं आपको हर स्टेप में नहीं दिखाऊंगा, ये फर्स्ट टाइम है इसलिए हम देख लेते हैं कि ये दोनों का मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा। सो ये वाला पॉइंट मैंने फिर से पीछे वाले पेज पे लिख लिया है ताकि आपको क्लियरली वो अंडरस्टैंड हो जाए। जैसे कि 0 0, 0 0 1, 4 0 1, ये प्रीवियस वाला स्टेप ही मैट्रिक्स हमने लिख लिया है। फिर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, तो पहले हमें ये वाला कॉलम पकड़ना है और ये वाला रो पकड़ना है। सो 0 × 1 प्लस 0 × 0 प्लस 1 × 4, तो 0 0 प्लस 0 प्लस 4। सिमिलरली फिर ये वाला रखना है और इसमें सेकेंड वाले को पकड़ना है। 0 × 0, 0 × 1, 0 प्लस 2 × 1 विल बी 2। सिमिलरली 0 0 × 0, 0 × 0, 1 × 1, 0 प्लस 0 प्लस 1, 4 × 1, 0 × 0, 4 × 1, 4 0 4, 4 × 0, 0 × 1, 2 × 1, 0 0 2, 4 × 0, 0 × 0, 1 × 1, 0 plus 0 plus 1, फिर 2 × 1, 3 × 0, 4 × 1, 2 plus 0 plus 4, 2 × 0, 0, 3 × 1, 3 plus 2 × 1 will be 5, 3 plus 2, 2 × 0, 3 × 0, 1 × 1, 0 plus 0 plus 1। सो फाइनली हमें आंसर क्या मिलेगा ये दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन, 4 2 1, 8 2 1, 6 5 1, जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा एज द स्टेप ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ दिस न्यूमेरिकल। सो जो हमने फाइंड किया है 4 8 6 2 2 5 1 1 1। सो द न्यू वर्टाइसिस ए 4 2 एंड बी डैश 8 2 एंड सी डैश 6 5। अब क्या बोला है कि जो हमें नए पॉइंट्स मिले हैं उससे हमें क्या करना है, ट्रायंगल को 90 degree रोटेट करना है। सो यहाँ पे हम आगे जैसे स्टेप में बढ़ेंगे क्या आएगा कि रोटेशन अबाउट द न्यू पॉइंट 6 5 थ्रू सी जो पॉइंट है हमारा 6 5, उसके थ्रू हम 90 degree काउंटर क्लॉकवाइज रोटेशन करेंगे। सो इसमें मेथड क्या होता है, फर्स्ट ट्रांसलेट द ऑब्जेक्ट टू ओरिजिन। मतलब जो ऑब्जेक्ट है उसे हमें ओरिजिन पर ले जाना है, देन रोटेट द ऑब्जेक्ट एंड ट्रांसलेट अगेन बैक टू द गिवन पॉइंट सी डैश 6 5।
ओके सो ए डबल डैश ट्राइंगल ए डबल डैश बी डबल डैश सी डबल डैश इज इक्वल्स टू ट्राइंगल ए डैश बी डैश सी डैश। फिर ट्रांसलेशन किसके अराउंड हमें कौन से पॉइंट के अराउंड ट्रांसलेट करना है तो 6.5 तो यहाँ पे ट्रांसवर्स आ जाएगा -6.5। फिर रोटेशन रोटेशन में आएगा कॉस 90 साइन 90 माइनस साइन 90 कॉस 90। अगर काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कर रहे तो हमारा ये इसमें माइनस आएगा और अगर क्लॉकवाइज हम रोटेशन करेंगे तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है फॉर्मूला में। फिर है टी इनवर्स, टी इनवर्स हमने यहाँ पे लिया 1060150001, ये मतलब ये वाला ही मैट्रिक्स आएगा सिर्फ माइनस की जगह यहाँ पे प्लस हो जाएगा। ओके तो यहाँ तक आपको समझ आया, देन नेक्स्ट आगे हम जाते हैं इसी सम को सॉल्व करने में। सो अब क्या करना है, अब हमें सिंपली मैट्रिक्स मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करना है जैसे हमने दिखाया था आपको प्रीवियस स्टेप में। तो फाइनली हमारा आएगा 4862251111। फिर ये ब्रैकेट में जैसा था वैसे ही 10-6 01-5001। फिर यहाँ पे हमारा लास्ट दो जो मैट्रिक्स थे उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा आंसर आएगा 0-16 10-5001। देन ये वाले मैट्रिक्स ऐसे का ऐसा, ये दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन हम लाइन वाइज मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो ये दोनों को मैंने जैसे आपको बताया था वैसे आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आंसर आएगा 0-1 11 10-1001। फिर ये दोनों मैट्रिक्स अकेला बचा तो ये दोनों मैट्रिक्स को हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसके बाद आएगा आंसर 9963751111। सो फिर आपको लिख देना है कि वर्टाइसिस आफ्टर वर्टाइसिस आफ्टर 90 डिग्री रोटेशन, मतलब आपको फाइनल आंसर में ऐसे लिखना है कि वर्टाइसिस आफ्टर 90 डिग्री रोटेशन न्यू वर्टाइसिस कौन से मिलेंगे हमको 9397.65। ये होगा ए 93 ए डबल डैश 93, फिर आएगा बी डबल डैश 97, फिर आएगा सी डबल डैश 65। सो ये था रोटेशन और ट्रांसलेशन पे न्यूमेरिकल, जो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। आई होप आपको ये समझ आया होगा और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूले, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन और अपडेट्स मिलती रहे। थैंक यू सो मच।